Hey guys, what is up? Welcome back to Dreamers Delight. तो आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और वो है रिडल्स चैलेंज। तो इसके रूल्स बहुत ही सिंपल है, हम एक के बाद एक रिडल्स देखेंगे, जो ज्यादा आंसर्स देगा वही होगा इसका विनर। तो आपको क्या लगता है कौन विनर है, प्लीज कॉमेंट डाउन इन द सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पहेली के साथ। मुंबई शहर में दो चोर थे। कहानी है, एक चोर सिर्फ दिन में चोरियां करता था और एक चोर रात में चोरियां करता था। दिन वाले चोर ने पहले दिन एक चीज चुराई तो रात वाले चोर ने रात में दो चीजें चुराई तो अगले दिन वाले चोर ने तीन चीजें चुराई तो फिर रात वाले चोर ने छह चीजें चुराई। कंपटीशन लगा रहे हैं। अब आप सोचिए और मुझे बताएं अगले दिन वाला चोर कितनी चीजें चोरी करेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रुको, तो चलो एक काम करते हैं, जस्ट गेस करो। तो इतने टाइम में तो ट्राई करेंगे लेकिन फिर भी गेस करो। दिन वाले चोर ने नहीं, पहले वाले चोर ने एक चोरी किया दिन में, नहीं रात में एक चोरी किया, सॉरी दिन में एक चोरी किया। दूसरे ने रात में दो चोरियां किया, फिर उसके दिन अगले वाले ने तीन चोरियां किया, अगले वाले ने छह चोरियां किया। मुझे इसका आंसर पता है, ये शायद 12 चोरियां करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वन के सामने कुछ नहीं है तो वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, प्लस वन सिक्स, तो ये सब मिला के 12 होगा। वाले ने छह चीजें चुराई क्योंकि 1 + 2 + 3 टोटल छह चीजें उसके पहले चोरी हुई थी, इसलिए बाद में दिन वाले चोर ने 1 + 2 + 3 + 6 मतलब 12 चीजें चोरी की। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तो बच्चों के सवाल है। सपना अपनी कार से आराम से जा रही थी तभी उसे जोरों से आवाज आई जैसे किसी ने उसे जोरों से टक्कर मारी हो। वो उतर के देखती है तो उसकी कार पीछे से डैमेज हो जाती है। एक रेड कार ने उसे जोरों से टक्कर मारी थी, वो कार नहीं रुकती और आगे निकल जाती है। सना अपनी कार में उसका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन वो आगे निकल जाती है। तभी सना को एक रेस्टोरेंट के सामने वो कार दिखती है। सना तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो उसे रेस्टोरेंट में तीन टेबल मिलते हैं जहाँ तीन लोग बैठ के खा रहे होते हैं। सना तुरंत समझ जाती है कि रेड कार वाला कौन है, कैसे, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड ये दोनों खाना खाने, लेकिन ये अभी ऑर्डर कर, करेक्ट करेक्ट, ये अभी ऑर्डर करिए तो शायद यही होगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टक्कर ये सेकंड वाली औरत ने मारी होगी, ये अभी अभी अंदर आई है क्योंकि ये फूड ऑर्डर कर रही है। थर्ड वाली का तो खाना खा के हो गया है और फर्स्ट वाला खाना खा रहा है। सना भी ये समझ जाती है और उससे डैमेज के पैसे वसूल लेती है। सना के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अगली पहेली। डिटेक्टिव मेहुल को बीरा का कॉल आता है। सर सर, मेरे पापा को किसी ने मार दिया है, आप जल्दी आ जाए। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। किसी ने मिस्टर मेहरा को गोली मारी थी। बीरा बताती है कि जब मैं रूम में आई तो देखा कि पापा का खून हो गया था, मैंने तुरंत आपको कॉल कर दिया। मेहुल आसपास देखता है तो उसे मिस्टर मेहरा के हाथ के नीचे एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा हुआ है AHKK। ये पेपर ही मुझे खूनी तक पहुंचाएगा। घर पे उस वक्त 5 लोग थे, बिल, भीरा, बोनी, काका और रमन। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है, कैसे, क्या आप क्लू को देख के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये मैं होता बहुत होशियार है, वो तो आंसर ढूंढ ही लेगा लेकिन अभी हमें ढूंढना है। तो अगर अच्छा AHKK+1 है, अगर हम AHKK को मतलब नंबर वाइज लेंगे तो शायद आंसर मिल जाए। चलो ट्राई करते हैं। ए यानी वन, वन एच क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एट, वन के प्लस वन क्या होगा। चलो प्रिडिक्ट करते हैं, तुम्हारा क्या आंसर, तुम क्या सोचते हो? फोर्थ बंदा यानी काका। तो चलो मेरा आंसर है रमन।
चलो देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू में चार लेटर्स है और प्लस वन लिखा हुआ है। मेहुल समझ जाता है कि मिस्टर मेहरा सारे लेटर्स में प्लस वन का क्लू दे रहे थे, तो ए प्लस वन बी हो जाएगा, एच प्लस वन आई और के प्लस वन एल, तो कोड का मतलब हो जाएगा बी आई एल एल, बिल। खूनी बिल है, मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चार वैम्पायर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो चारों अपने रूम्स में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोई बड़े वैम्पायर का सारा ब्लड चुरा लेता है। वैम्पायर गुस्से में आ जाता है और डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल बाकी तीनों वैम्पायर से पूछताछ करता है। वैम्पायर की वाइफ कहती है, मैं तो वॉशरूम में अपने टीथ क्लीन कर रही थी। वैम्पायर का भाई कहता है, मैं तो अपने कॉफिन में सो रहा था। वैम्पायर का बेटा कहता है, मैं तो गेम्स खेल रहा था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन सा वैम्पायर झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्योंकि वो गेम्स खेल रहा था, गेम्स के लिए दो लोग चाहिए मिनिमम। लेकिन उसके पास यहाँ पे है ना उसकी गाड़ी है ना, ये मुझे लगता है ये होगा क्योंकि उसका कॉफिन देखो कितना छोटा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर का ब्रदर झूठ बोल रहा है। कॉफिन काफी छोटा है, जरूर छोटे वैम्पायर का होगा, ये उसमें जा ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक तेजी से कार आई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर मार के वो कार सीधा निकल गई, लेडी की हेल्प भी नहीं की। पास खड़े लोग तुरंत आ गए और लेडी को हॉस्पिटल लेके गए। कुछ लोगों ने कार का नंबर तो नहीं लेकिन कार के बारे में पूरी इन्फो दे दी। डिटेक्टिव मेहुल कार को ढूंढने में लग जाता है। उसे वैसे ही दिखने वाली तीन कार्स मिलती है। मेहुल तीनों ओनर से पूछताछ करता है। पहला ओनर कहता है, मेरे तो पैर में फ्रैक्चर है, काफ़ी दिनों से मेरी कार यहीं खड़ी है। दूसरा ओनर कहता है, सर मुझे तो चोट आई हुई है, पट्टी भी लगी हुई है, काफ़ी दिनों से मेरी कार नहीं निकली है। तीसरा ओनर भी यही कहता है, सर मेरा तो हाथ फ्रैक्चर है, काफ़ी दिनों से मैंने कार नहीं निकाली है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे देखो इसकी ना कार के निशान है, यहाँ पे देखो पहिए के निशान है, और उसने ना ऐसे ये थर्ड वाला होगा शायद, हो ना हो ये थर्ड वाला ही होगा। चलो देखते हैं आंसर किसका करेक्ट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला वाला कार साफ कर रहा है, दूसरे ने तो काफी दिनों से कार साफ ही नहीं की है, लेकिन तीसरे वाले के गैरेज के बाहर देखिए टायर्स के निशान है, मतलब कार चली है। और ये झूठ बोल रहा है कि काफी टाइम से कार चली नहीं है। मेहुल वहीं समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए इस जोकर को ध्यान से देख लीजिए, अब इस हॉर्स को ध्यान से देख लीजिए, अब इस टेंट को ध्यान से देखिए। चलिए अब मुझे बताइए इन चारों जोकर में से आपने कौन सा जोकर देखा था, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्योंकि उसने तो ग्रीन हैट पहना था तो बी वाला ही है। चलो एक काम करते हैं, आपने जोकर बी देखा था। चलिए अब इन चारों हॉर्सेस को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा हॉर्स देखा था, ए बी सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मुझे तो तुम्हारे आंसर पे डाउट आ रहा है, आपने हॉर्स सी देखा था। चलिए अब इन चारों टेंट्स को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा टेंट देखा था, ए बी सी या डी? ए टेंट, ग्रीन कलर का टेंट था, इसमें कौन सा शक? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने टेंट ए देखा था, तो कितने सही कर पाए आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए शर्मा जी, उनकी वाइफ और दोनों बच्चे बीच पे जाते हैं, सब बीच पे मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉल खेलते खेलते पास वाली झाड़ियों में चला जाता है। लॉकडाउन में बीच का बॉल को सुनने के बाद सच्ची में यार गोवा बीच जाने का बहुत सारा मन कर रहा है, मुझे भी। चलो कोई नहीं, देखते हुए उनका छोटा लड़का झाड़ियों में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई किडनैप कर लेता है। फैमिली उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पास में डिटेक्टिव मेहुल ये सब देखता है तो वो तुरंत सीन पे पहुंच जाता है। फैमिली बताती है कि उनका छोटा लड़का मिल नहीं रहा है। मेहुल भी ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है, वो कहता है, मैं तो सुबह से अकेला ही यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर मेहुल को एक और आदमी मिलता है, वो कहता है, मैं तो यहाँ अभी अभी आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। फिर मेहुल को एक और आदमी मिलता है,
वो कहता है, सर मैं तो अभी यहाँ आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि किडनैपिंग किसने की है, कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और जिसने किडनैप किया था उसके सिर पे कैप नहीं था। हाँ, उस शैडो में। लेकिन अगर ये हो भी सकता है, लेकिन ये अभी अभी आया है तो ये शायद से ये ना उसके बच्चे के सर पे था हैट। हाँ करेक्ट आंसर। देखते हैं, किडनैपिंग तीसरे वाले आदमी ने किया है। वो अभी अभी आया है क्योंकि उसने बच्चे को पहले किडनैप किया। उसका कैप देखिए, ये वही कैप है जो पूरी फैमिली ने पहना हुआ है। जरूर इसने बच्चे से लिया है। मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। एफ वाले उसके चप्पल अलग है। देखो सबके हरे है तो उसका पीला चप्पल है। उसने मैचिंग पहना है। सब लोगों ने अलग अलग कुछ भी पहन लिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और इसमें F ऑड वन आउट है। उसके स्लीपर्स देखिए, बाकियों से अलग है। अब इन छह लड़कों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। बीबी ये देखो, इसके ना पैलेट पे ना स्टार्ट में ना ब्लैक कलर है, सभी के ना रेड कलर है। और इनमें B ऑड वन आउट है। उसका कलर प्लेट देखिए, उसमें कलर बाकियों से अलग है। तो गाइस हम यही खत्म करते हैं आज का वीडियो। आप बताना आपने कितने रिडल सॉल्व किए, आपको यह पहेलियाँ कैसी लगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू गेट नोटिफाइड एज सून एज वी अपलोड आवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो होता है यही खत्म। सो लास्टली वी वुड लाइक टू से ड्रीमर्स अलाइव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।